भारत सरकार एवं राज्य सरकार के जुड़े हुए अधिकारीगण आज इस इनॉग्रल सेशन में उपस्थित एसएचजी क्लस्टर्स एवं फेडरेशन के सदस्यगण, जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर हमारे साथ जुड़े हुए महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आज की इस बजट वेबिनार इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अनलीशिंग द पावर ऑफ वुमेन एसएचजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी शीघ्र ही हम सभी को संबोधित करेंगे और हम उनका जोरदार स्वागत करें। नमस्कार। हम सभी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस वर्ष के बजट को देश ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के एक शुभारंभ के रूप में देखा है। बजट को भावी अमृतकाल की दृष्टि से देखा और परखा गया है। ये देश के लिए शुभ संकेत है कि देश के नागरिक भी अगले 25 वर्षों को इन्हीं लक्ष्यों से जोड़कर देख रहे हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजट भी विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं इस बजट वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने का उनका सामर्थ्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति की पहचान है। ये एक प्रतिबिंब है। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं तब उसका आधार यही शक्तियां है। मां भारती का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में नारी शक्ति का यह सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। यही शक्ति समूह इस शताब्दी में भारत के स्केल और स्पीड को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, आज हम भारत के सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों का एनरोलमेंट आज
43% तक पहुंच चुका है और ये समृद्ध देश, विकसित देश, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज्यादा है। इसी तरह मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है, जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए गए उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये करोड़ों महिलाएं अपने परिवार की आय ही नहीं बढ़ा रही है बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बिना गारंटी आर्थिक मदद देना हो, पशुपालन को बढ़ावा देना हो, फिशरीज को बढ़ावा देना हो, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना हो, एफपीओज हो, खेलकूद स्पोर्ट्स हो, इन सभी को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसका सर्वाधिक लाभ और अच्छे से अच्छे परिणाम महिलाओं के द्वारा आ रहे हैं। देश की आधी आबादी के सामर्थ्य से हम देश को कैसे आगे ले जाएं? हम नारी शक्ति के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं? इसका प्रतिबिंब इस बजट में भी नजर आता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसके तहत महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। आप कल्पना कर सकते हैं, वो भी एक जमाना था जब महिलाओं के लिए न तो कभी खेत उनके नाम होते थे, न खलिहान उनके नाम होते थे, न दुकान होती थी, न घर होते थे। आज इस व्यवस्था से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला है। पीएम आवास ने महिलाओं को घर के आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। साथियों, इस बार के बजट में नए यूनिकॉर्न्स बनाने के लिए, अब हम स्टार्टअप की दुनिया में तो यूनिकॉर्न सुनते हैं लेकिन क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी ये संभव है क्या? ये बजट उस सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट करने वाली घोषणा लेकर के आया है। देश के इस विजन में कितना स्कोप है ये आप बीते वर्षों की ग्रोथ स्टोरी में देख सकते हैं। आज देश में 5 में से 1 नॉन फार्म बिजनेस महिलाएं संभाल रही हैं। बीते 9 वर्षों में 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं कितना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये महिलाएं केवल
छोटी एंटरप्रेनर ही नहीं है बल्कि एक ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी के रूप में ये महिलाएं गांव में विकास के नए आयाम बना रही हैं। साथियों, सहकारिता क्षेत्र, उसमें भी महिलाओं की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। आज कोऑपरेटिव सेक्टर में आमूलचूल बदलाव हो रहा है। आने वाले वर्षों में 2 लाख से ज्यादा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव और फिशरीज कोऑपरेटिव बनाए जाने वाले हैं। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महिला किसानों और प्रोड्यूसर ग्रुप्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस समय देश ही नहीं पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर जागरूकता आ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। इसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका को और बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा। आपको एक और बात याद रखनी है, हमारे देश में 1 करोड़ आदिवासी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं। उनके पास ट्राइबल क्षेत्रों में उगाए जाने वाले श्री अन्न का पारंपरिक अनुभव है। हमें श्री अन्न की मार्केटिंग से लेकर इनसे बने प्रोसेस फूड्स से जुड़े अवसरों को टैप करना होगा। कई जगहों पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोसेस करके मार्केट तक लाने में सरकारी संस्थाएं सहायता कर रही है। आज ऐसे कितने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप रिमोट इलाकों में बने हैं, हमें इसे और व्यापक स्तर पर लेकर जाना चाहिए। साथियों, ऐसे तमाम प्रयासों में युवाओं के, बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसमें विश्वकर्मा योजना एक बड़े ब्रिज का काम करेगी। हमें विश्वकर्मा योजना में महिलाओं के लिए विशेष अवसरों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना होगा। जेम पोर्टल और ई कॉमर्स भी महिलाओं के व्यवसाय को विस्तार देने का बड़ा माध्यम बन रहे हैं। आज नई टेक्नोलॉजी का फायदा हर सेक्टर ले रहा है। हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाने वाले ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर बल देना चाहिए। साथियों, देश आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती है, राफेल उड़ाती दिखाई देती है, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। जब महिलाएं एंटरप्रेनर्स बनती हैं, फैसले लेती हैं, रिस्क लेती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। अभी कुछ दिन पहले ही नागालैंड में पहली बार 2 महिलाएं विधायक बनी हैं, उनमें से एक को मंत्री भी बनाया गया है। महिलाओं का सम्मान बढ़ाकर, समानता का भाव बढ़ाकर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, आप सभी महिलाओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करने के संकल्प साथ आगे बढ़े। साथियों, 8 मार्च को महिला दिवस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महिला सशक्तिकरण, उस पर एक बहुत ही भावुक आर्टिकल लिखा है। इस लेख का अंत राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जिस भावना से किया है वो सभी को समझनी चाहिए।
मैं इस लेख से उन्हीं को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है, हम सबकी बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस प्रगति को तेज गति प्रदान की जाए। इसलिए आज मैं आप सब से, प्रत्येक व्यक्ति से, अपने परिवार, आस पड़ोस अथवा कार्यस्थल में एक बदलाव लाने के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह करना चाहती हूं। ऐसा कोई भी बदलाव जो किसी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान बिखेरे, ऐसा बदलाव जो उसके लिए जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों में वृद्धि करे, आपसे मेरा यह अनुरोध हृदय की गहराइयों से निकला है। मैं राष्ट्रपति जी के इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज आपके शुभ शब्दों के साथ शुरुआत हुई है चिंतन की, एक मंथन की, और उसी श्रृंखला में सर्वप्रथम आज आपकी प्रेरणा से सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय श्री इंदिवर पांडे अब आर्थिक सशक्तिकरण और भारतीय महिला पर एक प्रेजेंटेशन करेंगे, जिसके आधार पर आज की वेबिनार होगी। नेक्स्ट। आदरणीय मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती स्मित जुबिन ईरानी जी, आदरणीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के उपस्थित माननीय मंत्रीवन, आप सभी की अनुमति से मैं ये प्रस्तुतिकरण शुरू करता हूँ। इनॉग्रल सेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं पहली स्लाइड पे कि इस प्रेजेंटेशन के बाद ब्रेक है और उसके पश्चात तीन ब्रेकआउट सेशंस होंगे, जो कि एक ब्रेकआउट सेशन ऑनरेबल मिनिस्टर WCD चेयर करेंगी, एक ऑनरेबल मिनिस्टर MORD चेयर करेंगे और एक साध्वी निरंजन ज्योति ऑनरेबल MOS MORD चेयर करेंगी। ये 3 घंटे के बृहद सेशन होंगे जिसके डिटेल्स मैं आगे दूंगा, और उसके बाद लंच ब्रेक है और उसके बाद कॉन्क्लूडिंग जो सेशन है उसमें जो हमारे 3 ब्रेकआउट सेशंस के प्रेजेंटेशंस, उनके रिकमेंडेशंस के प्रेजेंटेशन किए जाएंगे, और साथ साथ जो ब्रेकआउट सेशंस हैं उसमें माननीय मंत्रीगण जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ एंड में इंटरेक्शन भी करेंगे, और अंत में ऑनरेबल मंत्री जी हमारी कंक्लूडिंग रिमार्क देंगी और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होगा। नेक्स्ट। यूनियन बजट में जो आपकी माननीय अर्थमंत्री ने बोला था, बेसिकली इसका है कि हमारी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के में बहुत बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, लेकिन अब जरूरत है कि हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं थ्रू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस एंड कलेक्टिव्स। इसमें इनकी जरूरत पड़ेगी कि सप्लाई में हम, रॉ मटेरियल सप्लाई में हम हेल्प करें, डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोजेक्ट, इन सब चीजों के लिए एक सपोर्टिंग एनवायरमेंट तैयार करना है सभी मंत्रालयों को मिलके, ताकि हम इनको, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बोला, कि हम इनको जो है यूनिकॉर्न की कैटेगरी में ले जाएं। नेक्स्ट। एक दूसरा जो अनाउंसमेंट था जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बोला था कि एक स्मॉल सेविंग महिला सम्मान बचत पत्र 2 साल की स्कीम है ये, और इसमें 2 साल पे फिक्स इंटरेस्ट रेट पे महिलाओं और लड़कियों को 7.5% जो है वो ब्याज दर उनको मिलेगी। ये एक दूसरा मेजर अनाउंसमेंट है इस साल के बजट में। नेक्स्ट। आज की हमारी जो वेबिनार है वो एसेंशियली फोकस्ड है डे NRLM की जो हमारी SHG स्कीम है, इसको हम कैसे हम आगे ले जाके, और जो SHGs हैं उनके क्लस्टर ऑफ फेडरेशंस हैं, कैसे हम उनको जो है प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस वो बना सकें। इसमें एक जो देखा जाए तो सबसे, आज दुनिया का सबसे बड़ा ये विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है SHG प्रोग्राम, और एक चीज पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है SHG के थ्रू, जो लोग रियलाइज नहीं करते हैं, वो गाँव में जो है मनी लेंडर्स की जो एक वो थी, बहुत बड़ा उनका एक नेटवर्क था, उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल आया। ये सबसे बड़ा एक वो है जो जिस तरह से एक्सप्लॉयट किया जाता था गरीबों को, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा है इस मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट।
इसका अगर देखें तो स्कोप देखें तो ये पूरे देश को हर तरह से मतलब कवर करता है, 737 डिस्ट्रिक्ट, 7064 ब्लॉक, 8.93 करोड़ मेंबर्स मोबिलाइज्ड हैं, 82.61 लाख एसएचजी हैं और कैपिटलाइजेशन सपोर्ट 29,018 करोड़ का अभी तक दिया गया है। केवल पिछले साल में 3,876 करोड़ का सपोर्ट दिया गया था। इसके अलावा बैंक लिंकेजेस और महिला किसान, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एंटरप्राइज में भी हम पीएमएफएमई के माध्यम से 75,000 माइक्रो एंटरप्राइजेस अभी तक सेटअप कर चुके हैं और स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में 2.3 लाख एंटरप्राइजेस सेटअप हो चुके हैं। तो हम एक लॉन्च की स्थिति पे हैं जब हम इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने भारत के देश के मैप पे बनाई है। इनफैक्ट ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर स्टेट में कोई ना कोई बेस्ट प्रैक्टिस है, परंतु हमने कुछ मुख्य जो है इनमें मैप में जितनी हम दिखा सकते थे, जैसे कि यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है, बिहार की जीविका जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है ओवरऑल, झारखंड में पड़ा स्मार्ट है, ये एक जीविका पला स्मार्ट, उड़ीसा में एसएचजी प्रोक्योरमेंट, एंटायर जो है फूड प्रोक्योरमेंट जो है उड़ीसा में एसएचजीज को दे दिया गया है और 2-3 साल के अंदर ही ऑलमोस्ट दे हैव टेकन ओवर, जो कि पूरा डिजिटली किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में आप देखें तो उनके भी सी मार्ट, स्वच्छ अंबिकापुर मिशन, गौरथान, इस तरह की स्कीम्स हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, महाराष्ट्र में मायूम की तेजस्वी स्कीम है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, कर्नाटका में संजीवनी है जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे है और केरला की कुडुम्बशी, ये कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में है एसएचजी के। नेक्स्ट, जब हम डे एनआरएलएम की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, पहले एसएचजीज को सेट किया गया, फिर उनके जो है उनको प्रोडक्ट ग्रुप्स के हिसाब से बनाया गया, उनका फेडरेशन बनाया गया, क्लस्टर्स बनाए गए। नेक्स्ट स्टेज वॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाउ अब हम जो जिस स्टेज पे जा रहे हैं वो हायर ऑर्डर लाइवलीहुड, जिसमें कि हम केवल उस पर ना एग्रीकल्चर पे ना डिपेंड करके इसको और सेक्टर्स में भी इनको एक्सपेंड करें और इनको कंपनी प्रोड्यूसर एंटरप्राइज या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, यहाँ पे देखें कि इस दिशा पे काफी कदम लिए जा चुके हैं। जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स ग्रुप अगर देखें तो 1.31 लाख प्रोड्यूसर्स ग्रुप ऑलरेडी है जिनके 18 लाख मेंबर हैं, 183 प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस भी बनाए जा चुके हैं और 850 एफपीओस या तो बन चुके हैं या इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है। तो इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी अब जो है एसएचजीज के पास, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, उनका फाइनेंस मार्केट स्किल एंड टेक्नोलॉजी की एक्सेस बढ़ेगी और बिजनेस जो है प्रोफेशनली मैनेज होगा। तो ऑलरेडी इस दिशा में कुछ कुछ कदम उठाए जा चुके हैं, इसको और एक कंसंट्रेटेड वे में आगे ले चलना है। हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूशंस इसके क्या हैं वैल्यू चेन, इसमें हम देखें तो सारे कमोडिटी बोर्ड्स हैं, वो हैं जितने भी हमारे डेयरी के कोऑपरेटिव्स हैं, एनडीडीबी, अमूल, नंदिनी, सरस, पराग, वो सारे के सारे इसके पार्ट हैं। और जो कम्युनिटी प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है अपीडा, एमपीडा, वो है उसमें, और बहुत सारे जो है स्टेट्स के जैसे जीविका या कुटुम्बशी स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं। नेक्स्ट, इसमें जो है स्टेट की इनिशिएटिव्स में देखें, जैसे कि महाराष्ट्र का माविम एक था, माविम है जिसमें कि आप विलेज क्लस्टर लेवल पे इन्होंने फेडरेशन किया हुआ, उसके बाद इन्होंने कम्युनिटी मैनेज रिसोर्स सेंटर बनाए हैं विच बेसिकली इंश्योर बैंक लिंकेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन है विच डज वेरी वेल और ये इंश्योर करता है कि बैंक्स को बताता है कि आप ये एसएचजी अब अच्छी कंडीशन में आप यू कैन फंड दैट, तो बैंक्स आर कॉन्फिडेंट जब उनकी रिकमेंडेशन पे सीएमआरसी जो है जब ट्रेन कर देता है एसएचजी को या फेडरेशन को, तो बैंक्स जो है उसको लोन देने में कभी भी हिचकते नहीं और इसका 99% रीपेमेंट है एंड सीएमआरसी इंश्योर दैट कि प्रॉपर दोनों तरफ से फ्लो रीपेमेंट एज वेल एज लोनिंग दोनों चीज प्रॉपरली हो। माविम ने 27 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी अभी तक प्रोड्यूस की है, प्रमोट की है, और सिमिलरली जैसे कि और मैंने बताया था जीविका, शीहाट, पलाशमार्ट, सीमार्ट, छत्तीसगढ़, इसमें भी हुआ है। नेक्स्ट, अब जहां तक बैरियर्स की बात है कि क्यों हम जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी जिस लेवल पे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज बनानी चाहिए थी वो क्यों नहीं बन रही है, तो उसका बेसिक कैपेसिटी का बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है एट द एसएचजी लेवल। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंटरशिप,
किसी भी जब आप नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से आप कंपनी बनाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करें, किसको सोसाइटी बनाएं या कंपनी बनाएं या किसी और फॉर्म में लें, और उसके बाद ब्रांडिंग मार्केटिंग, इसके लिए यूनिट हैंड होल्डिंग, उस तरह का संभव हमारे पास जो है मेंटरशिप प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनफैक्ट हम लोगों को जब हमने विमेन एम्पावरमेंट में सीएस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दिया था तो उन्होंने यही चीज कही थी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़िए और प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करिए कि वो एसएचजीज को इस तरह से जो है वो उनको मेंटरशिप दे इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स, वो बहुत अच्छा होगा। सो ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी एक बड़ा कारण है, इसमें क्रेडिट, ट्रेनिंग, कोलेटरल, ये सब इश्यूज जो हैं। एनएफएसएस का अगर हम डाटा देखें तो केवल 51% ऑफ वीमेन आर अवेयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम और केवल 11% ने माइक्रो क्रेडिट लिया है, लेकिन जो ट्रेंड देखा जाए तो एनएफएसएस 4 से एनएफएसएस 5 में उन्नति हुई है और ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, उतना ज्यादा जो है महिलाएं और आगे आ रही हैं। एक जो इसमें बैरियर होता है, एसेट ऑनरशिप अगर किसी एसएचजी के पास नहीं है तो वो एक लेटर ऑन एक बड़े लोनिंग के लिए वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज बैंक्स इंसिस्ट ऑन सम काइंड ऑफ कोलेटरल। तो हमारा ध्येय होना चाहिए किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट ग्रांट या जो भी हम सपोर्ट दे रहे हैं उसके थ्रू हम एसेट क्रिएट करें एसएचजी का। एक बार एसेट्स हो जाएंगे तो उसके बेसिस पे लोनिंग बिकम्स मच इजियर। नेक्स्ट, डिजिटल लिटरेसी के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें जो है एक्सेस एक मेजर कारण है, लेकिन इसमें भी देखा जाए तो पीएम दिशा जो है, जो स्कीम है, उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है ग्रामीण एरियाज में जो है, पर्टिकुलरली डिजिटल लिटरेसी में। ब्रांडिंग के केस में डेफिनेटली एक इश्यूज हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एसएचजीज हैं, तो अनलेस वी हैव ए बिग क्लस्टर और जिसकी हम ब्रांडिंग करें अच्छे से और उसके बाद उसको ऑल ओवर इंडिया उसको प्रमोट करें, तभी इसका जो है हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ब्रांडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के क्या क्या इश्यूज हैं ये यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट, अब हम वेबिनार के जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो बेसिकली दो चीजें हैं यहाँ पे। पहला तो है कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीमेन ऑन एंड वीमेन लेड एंटरप्राइजेस हैं, इनको हम और सपोर्ट दें ताकि वो एक हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे चले और खुद अपने पैरों पे स्ट्रांगली जो है वो अपना बिजनेस और भी आगे ले पाए। दूसरा जो है, जो एसएचजीज हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ एसएचजीज, इसमें से हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से इसमें जो है अच्छी कंडीशन में है और किसको हम उनको ले जा सकते हैं टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो इस तरह से एक हम उनकी कैटेगराइज करके एंड देन वी डू द कैपेसिटी बिल्डिंग, सपोर्ट देम थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट, आज के जो तीन ब्रेकआउट सेशन है, पहला ब्रेकआउट सेशन है स्केलिंग अप एसएचजीज इनटू लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस। इसके इस सेशन को चेयर करेंगी ऑनरेबल एमओएस साध्वी निरंजन ज्योति जी और इसके मॉडरेटर होंगे श्री जुगल किशोर महापात्रा जी, फॉर्मर सेक्रेटरी आरडी। दूसरा ब्रेकआउट सेशन है लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, ऑनरेबल मिनिस्टर डब्ल्यूसीडी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी इसको चेयर करेंगी और इसके मॉडरेटर होंगे श्री नितिश्वर कुमार, एएसएनएफए एमडब्ल्यूसीडी। तीसरा ब्रेकआउट सेशन जो है वो है मार्केट एंड बिजनेस एक्सपेंशन पे, इसको चेयर करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री आरडी श्री गिरिराज सिंह जी और इसके मॉडरेटर होंगे श्री चरणजीत सिंह, एएसएमओआरडी। और कंक्लूडिंग सेशन में ये तीनों जो ब्रेकआउट सेशंस हैं इनके जो रिकमेंडेशंस आएंगे उसके बेसिस पे वो हमारे मॉडरेटर्स जो हैं वो उसका एक प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर डब्ल्यूसीडी अपने वक्तव्य से हमको गौरवान्वित करेंगी। नेक्स्ट, आज के जो वेबिनार हैं इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं तो हम देखें कि पहले आज का जो इनॉग्रल सेशन है इसमें देश और राज्य भर के सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल के ऑफिशियल्स जुड़े हुए थे, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स थी, विमेन एसएचजी मेंबर्स, फेडरेशन, क्लस्टर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बैंक्स थे और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और अदर स्टेक होल्डर्स थे। जहां तक ब्रेकआउट सेशन की बात है इसमें पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डेयरी एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के चैम्बर्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा जो प्रैक्टिसिंग वो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एफपी चला रहे हैं, जो कि फीमेल प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस जो चला रहे हैं वो लोग हैं, वो सब जुड़ेंगे इसमें, एक्सपर्ट्स अपना व्यू देंगे कि कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे जो लोग ऑलरेडी इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की और उसको हम कैसे ईज आउट कर सकते हैं वो इसमें आएगा। इसके साथ ही मैं अपना प्रस्तुतिकरण यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
ब्रेकआउट सेशन